फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मता। वेलकम टू काली मिर्च। दोस्तों, आलू गोभी छोले के बाद हम इंडियंस की और एक सब्जी बहुत फेवरेट होती है। कौन सी? लेडीज फिंगर्स यानी भिंडी। और भिंडी पकती भी बहुत जल्दी है। आज मैं आपको भिंडी की सबसे सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसका नाम है स्टर फ्राई भिंडी, जिसपे हम डालेंगे नारियल और डैश ऑफ कोकम। आइए बनाते हैं स्टर फ्राई भिंडी। ये सब्जी हम बना रहे हैं दो लोगों के लिए। यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम भिंडी। भिंडी को धोने के बाद आप इसे किचन टॉवल से सुखा लीजिए और फिर छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। एक मीडियम साइज प्याज लंबाई में कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून हल्दी, 2 से 3 कोकम, 1/2 कप किसा हुआ नारियल, कुकिंग ऑयल और नमक। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम किया है। इसमें मैं डालूंगी बारीक कटी हुई लहसुन, लहसुन को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन ब्राउन होने के बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और प्याज, और प्याज को हल्का नरम होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का नरम हो गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी, और इसे 1 मिनट तक चलाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे भिंडी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें भिंडी को कवर करके नहीं पकाना है। जब तक ये पकना जाए, तब तक हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है, ताकि ये नीचे लग के जल ना जाए। करीब 4 से 5 मिनट में ही भिंडी पक जाती है। आइए अभी इसमें डाल देते हैं नमक स्वादानुसार। और कोकम, इसे मैं हाथ से ही तोड़ के डाल रही हूं। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। नमक और कोकम डालने के बाद आप करीब 1 मिनट तक इसे चलाइए और गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद अभी हम इस पर डालेंगे किसा हुआ नारियल। और इसे मिला लेते हैं। हमारी भिंडी की सब्जी रेडी है। दोस्तों, ये परफेक्ट लंच बॉक्स रेसिपी है, बच्चों के स्कूल के लिए, आपके ऑफिस के लिए। इसे अपने लंच में रोटी के साथ इंक्लूड कीजिए और देखिए दिन भर आप कितना लाइट और एनर्जेटिक महसूस करेंगे।